नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सिकंदर की हार। ठीक है, सिकंदर की हार के बारे में जो चैप्टर है कि सिकंदर जो महान शासक था, जिसको यह अहंकार था कि उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ठीक है, उसने अपने आप को क्या माना था कि वो विश्व विजेता है। क्या है? वो विश्व विजेता है। ठीक है, तो जो सिकंदर है वो अपने आप को किसके आगे हारता है, वो कैसे मानता है कि वो भी किसी के सामने पराजित हुआ है। ठीक है, इससे से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इस रिलेटेड जो चैप्टर में आपके सबसे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स आए उनको अपन पढ़ते हैं। जैसे विश्व विजय, विश्व विजय मतलब क्या होता है? विश्व को विजय करने वाला, संसार को विजय करने वाला या संसार को जीतने वाला। ठीक है, जो सिकंदर था वो इतना महान शासक था कि उसको ऐसा लगता था कि वो क्या है, विश्व विजेता है, वो पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, जीत सकता है। तांडव, तांडव एक प्रकार का नृत्य होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सी वस्तुएं जो होती है अस्त व्यस्त होती है। अस्त व्यस्त मतलब अपने निश्चित क्रम से क्या होता है, तांडव में जो सब चीज होती है वो क्या होती है, अस्त व्यस्त होती है। ठीक है, तो तांडव का मतलब होता है बड़ा ही विकराल। ठीक है, तांडव जो होता है उसका मतलब होता है बड़ा ही विकराल। विकराल मतलब जिसमें नृत्य करने वाला क्या होता है, बड़े ही विकराल रूप में नृत्य करता है। ठीक है, तो तांडव का यहाँ किसके लिए आया है, जब सिकंदर अपनी जो जीत होती है उस पर गर्वित होकर वहां पे घूमने निकलता है, तो उसको महसूस होता है कि तांडव किसका, मृत्यु का तांडव वो देखता है। मृत्यु का तांडव मतलब वहां पर चारों ओर क्या होती है, मृत्यु ही मृत्यु नृत्य कर रही होती है। मतलब उसकी जो विजय होती है वो किस पर होती है, लोगों की मृत्यु के ऊपर होती है। ठीक है, तो उसके जो जीत होती है, उसने जो भाग जीता था उसमें क्या होते हैं, जो लोग थे वो बिलख रहे होते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और जो कई लोग घायल होते हैं वो भी दुखी होते हैं। ठीक है, कई लोग अपने घर छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ किसका तांडव हो रहा है, दुख का तांडव। ठीक है, मृत्यु और दुख का तांडव होता है। जहां पर जो सिकंदर है वो विजय प्राप्त करके जाता है तो वहां किसका तांडव होता है, मृत्यु और दुख का तांडव होता है। नेक्स्ट है आपका निर्वस्त्र। निर्वस्त्र मतलब बिना वस्त्र के, नी प्लस वस्त्र, निर्वस्त्र, र आगे आता है, र के नीचे हलंत है तो र कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, निर्वस्त्र मतलब बिना वस्त्र के। विरक्ति, विरक्ति मतलब सब चीज को क्या करे, जो त्याग करते, जिसके मन में किसी भी प्रकार का ये भावना ना हो कि वो किसी से लगाव ना रखे। ठीक है, तो विरक्ति मतलब क्या होता है, सभी कुछ त्याग करके, मोह माया त्याग करके क्या करना, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। गौर मुक्ति, गौर मुक्ति जो है आपके दो वर्डों के मेल से बनी है, गर्व प्लस उक्ति। ठीक है, किससे बनी है, गर्व प्लस उक्ति। इसका मतलब होता है अपने आप कर, अपनी बात पर अहंकार करना। ठीक है, गौरवाक्ति मतलब गर्व प्लस उक्ति, उक्ति मतलब अपनी बात, और गर्व करना मतलब अहंकार करना या गर्व महसूस होना। तो जो सिकंदर था उसको अपनी बात पर अहंकार था। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति प्रयोग निर्बलों पर अत्याचार करने, उनकी हत्या करने या उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है, महान नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति का प्रयोग, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी शक्ति का, मतलब उसको भगवान ने अगर शक्ति दी है, उसको सामर्थ्य दिया है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग निर्बलों पर अत्याचार, जो कमजोर है उस पर अत्याचार करने, उनकी हत्या करने और उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है, वह महान नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर वो उसका प्रयोग किसके लिए करता है कि जो कमजोर है उस पर अत्याचार करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है या फिर उन पर शासन करने के लिए करता है, तो वह व्यक्ति महान नहीं कहा जा सकता। मतलब दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को अपने अधीन कर अगर कोई व्यक्ति महान कहलाना चाहता है, राजा कहलाना चाहता है, तो वास्तव में वह महान नहीं हो सकता। महान वही व्यक्ति है जो अपनी शक्ति धन का प्रयोग निर्बलों और असहायों की सहायता के लिए करता है। ठीक है, महान कौन होता है, वह व्यक्ति महान कहलाता है जो अपनी शक्ति का, मतलब अपने जो पावर है, अपना जो समृद्धि है, अपने जो धन है, उसका प्रयोग किसके लिए करे, निर्बल लोग, जो गरीब लोग हैं उनकी, और असहाय लोग, जिनको जिनकी कोई सहायता नहीं करता, उनकी मदद के लिए करे। सम्राट अशोक इसीलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने युद्ध का त्याग कर क्या किया, अपनी प्रजा पर धर्म से विजय प्राप्त की। ठीक है,
अशोक जो थे सम्राट अशोक उनको क्या बोलते हैं, अशोक द ग्रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अशोक द ग्रेट। क्यों बोलते हैं सम्राट अशोक को महान शासक क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कलिंग युद्ध में जो रक्तपात हुआ था, रक्तपात मतलब जो बच्चे अनाथ हुए थे, जो औरतें विधवाएं हुई थी, ठीक है, जो लोग घायल हुए थे उनको दुख कर देख कर क्या कर दिया, अपने युद्ध को त्याग कर दिया। मतलब उन्होंने ये सोच लिया कि अब वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसके विपरीत उन्होंने अपने प्रजा के लिए कैसे धर्म विजय प्राप्त की, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करवाए, उनके लिए विश्वविद्यालय बनवाए, विद्यालय बनवाए, ठीक है, चिकित्सालय बनवाए, आश्रम के अंदर उनके मंदिरों में पीने के पानी की बावड़ियां बनवाई। तो इस प्रकार अशोक कैसे महान राजा बना कि उसने क्या किया, जो उसकी जनता थी उसकी उसने क्या किया था, सहायता की थी। क्या किया था, सहायता की थी, इसलिए अशोक क्या था, महान शासक बना। ठीक है, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपको ये समझाता है कि वह व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, अपने शक्ति का प्रयोग निर्बलों पर अत्याचार करने, उनकी हत्या करने, उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है, महान नहीं हो सकता। ठीक है, वह व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग किसके लिए करता है, निर्बलों के लिए, मतलब जो गरीब है दुर्बल है उन पर अत्याचार करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है, उसको हम क्या मानते हैं, महान शासक नहीं मानते। महान शासक कौन सा होता है, वह व्यक्ति महान होता है जो अपनी शक्ति धन का प्रयोग निर्बलों एवं असहायों की सहायता के लिए करता है। ठीक है, तब कौन महान होता है, जो अपनी शक्ति का प्रयोग किसके लिए करे, निर्बल और असहाय लोगों की मदद करने के लिए करे। इसीलिए अशोक को क्या मानते हैं अपन, महान शासक मानते हैं, जबकि जो सिकंदर है उसको क्या मानते हैं, ऐसा शासक था जिससे विश्व विजेता बनकर भी विश्व को नहीं जीत पाए, ठीक है, जो अपनी प्रजा को नहीं जीत पाए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। राजा पुरु को पुरु जो था, जो राजा पुरु को हराकर सिकंदर बहुत प्रसन्न था। ठीक है, राजा पुरु जो थे पंजाब प्रांत उस समय जो था उसके क्या थे, राजा थे। तो राजा पुरु को जब हराया सिकंदर ने तो विश्व विजय बनने का सपना उसे पूरा होता दिखाई दे रहा था। ठीक है, पुरु को पराजित करने पर सिकंदर जो था वो बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि अब वह विश्व विजेता बनता दिखाई दे रहा था। अब वो क्या सोचता था कि अगर मैंने राजा पुरु को हराकर भारत देश पर विजय प्राप्त कर ली तो मैं क्या बन जाऊंगा, विश्व विजेता बनने का जो उसका स्वप्न है वो उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हाईलाइट करते हैं ना इसका मतलब ये कि आपको क्या रखनी है, अपनी फिंगर रख के पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, अपनी फिंगर रख के पढ़ना है। पुरु पर विजय पाने की खुशी में उसके सिपाही जश्न मना रहे थे। ठीक है, पुरु जो थे राजा भारत के, उन पर विजय पाने की खुशी में जो सिपाही थे किसके, सिकंदर के, वो क्या कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। जश्न मनाना मतलब उत्सव मनाना। ठीक है, विश्व विजय का सपना मतलब पूरी दुनिया को जीतने का स्वप्न। ठीक है, राजा पुरु को हराकर सिकंदर बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न मतलब खुश, और उसको विश्व विजेता मतलब पूरे संसार को जीतने का जो उसका स्वप्न था वो अब क्या दिखाई दे रहा था, पूरा होता दिखाई दे रहा था। पुरु पर विजय पाने की खुशी में उसके सिपाही जो थे वो क्या कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। पुरु जो राजा थे भारत के, उनको पराजित करने की खुशी में जो वहां के उनके सिकंदर के सिपाही थे उन्होंने क्या मनाया, जश्न मनाया। जश्न मनाना मतलब त्योहार मनाना, उत्सव मनाना। 3 दिन और 3 रात तक सभी सैनिक शिविरों में खुशियां मनाते रहे। ठीक है, कितने दिन तक, 3 दिन और 3 रात तक जो सिकंदर के सैनिक थे वो क्या करते रहे, खुशियां मनाते रहे। सभी सैनिक शिविर में खुशियां मनाते रहे। 4th दिन शाम सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, ठीक है, 3 दिन और 3 रात तक उसकी जो सेना थी सभी शिविर में खुशियां मनाते रहे, उत्सव मनाते रहे। 4th दिन शाम को सिकंदर जो था उसने किसको बुलाया, अपने सेनापति को बुलाकर कहा। ठीक है, क्या कहा, मैंने इस विशाल देश का बहुत कुछ नहीं देखा है। ठीक है, कौन सा देश, भारत देश। ठीक है, तो सिकंदर ने क्या कहा कि मैंने, जो उसके सेनापति थे उसको बुलाकर कहा कि मैंने इस विशाल देश का बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं देखा है। मैं आसपास का इलाका देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या कहा उसने कि मैं आसपास का इलाका जो है वो देखना चाहता हूँ। किसने कहा, सिकंदर ने कहा। ठीक है, जब 4 दिन 3 दिन और 3 रात तक उसके जो सैनिक थे सिकंदर के वो उत्सव मनाते रहे, तो सिकंदर ने 4th दिन अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि मुझे क्या देखना है, इस विशाल देश का
जो हिस्सा मैंने नहीं दिखा है उसको मैं देखना चाहता हूं, मैं आसपास का इलाका देखना चाहता हूं। ठीक है, क्या देखना चाहता हूं कि इस विशाल देश में कुछ भी मैंने नहीं देखा है, तो मैं क्या करना चाहता हूं कि भारत के जो अपने जीता हुआ देश है उसका, उसके कुछ हिस्से मैंने नहीं देखे, उनको मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूं। ठीक है, किसने कहा ये? कि जो उसका सेनापति था सिकंदर का, उसने कहा कि ठीक है अगर आप कुछ हिस्से देखना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, कुछ हिस्से, कुछ सैनिक जो है चुने हुए, मतलब जो अच्छे सैनिक है उनको लेकर मैं आपके साथ चलता हूँ, ताकि राजा को क्या सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उनके साथ उनके सैनिक होने चाहिए। ठीक है, तो जो सेनापति था उसने कहा कि ठीक है आप आसपास का इलाका देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं सेना के कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूं, नहीं मैं अकेले घूम फिर इस भूभाग को देखना चाहता हूं। ठीक है, क्या कहा सिकंदर ने? कि नहीं मैं अकेले घूम फिर कर इस भूभाग को देखना चाहता हूं। ठीक है, क्या कहा? जब सेना के जो सेनापति था उनका, उसने कहा कि ठीक है अगर आप घूमना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, आपके साथ चलता हूं, आपके साथ घूमने कुछ चुने हुए सैनिक है तो वो आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, तो उनके साथ क्या करते हैं, अपन थोड़ा चलते हैं। तो सिकंदर ने क्या कहा कि नहीं मैं अकेला ही इस भूभाग को देखना चाहता हूं, ठीक है मेरे साथ किसी को चलने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत यानी आवश्यकता, भूभाग मतलब पृथ्वी का भाग, ठीक है, भूभाग मतलब वह क्षेत्र जहां पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने कहा कि मैं घूमने जाना चाहता हूं, भूभाग मतलब उसका जो आधिपत्य वाला जो राज्य था वहां पे घूमने जाना चाहता था, मेरे साथ किसी को चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिकंदर ने क्या कहा कि ठीक है आप लोग इतनी वो कोशिश मत, आने के साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप ही घूम सकता हूं। तो सिकंदर ने क्या कहा कि आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना जो एरिया है, मेरा क्षेत्र है, मैं उसमें अकेले ही घूम सकता हूं। ठीक है, किसने कहा? सिकंदर ने कहा। किसको कहा? अपने सेनापति को कहा। ठीक है, जब बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किसने कहा, किससे कहा, तो वो क्या होता है, उसके अंदर आपको आंसर देने होते हैं कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है। ठीक है, कौन और किसको कह रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं ना आपके लेसन के अंदर, कि किसने कहा था, किससे कहा था, ठीक है, क्या कहा था, तो उसके लिए आपको क्या लेसन पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अब सिकंदर ने क्या कहा उसके सेनापति से, आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं अकेले ही जाऊंगा, दूसरों के साथ में चलने से देखने में बाधा पड़ती है। ठीक है, क्या कहा सिकंदर ने, कि अगर कोई मेरे साथ चलता है तो उससे क्या होता है कि लोग मुझे क्या राजा की तरह देखते हैं, तो मुझे क्या वहां की जानकारी देखने सुनने में, मतलब वहां की जानकारी प्राप्त करने में बाधा आती है। यह कहकर वो घोड़े पर सवार होकर चल दिया। ठीक है, यह कहकर सिकंदर जो था उसने क्या किया, घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया कहां, वह भूभाग देखने जहां पर वो उसने आधिपत्य किया था। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है अपन ने पढ़ा, उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि जो सिकंदर था उसने किसको पराजित किया था, राजा पुरु को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद वो क्या सोचता था कि उसका कौन सा स्वप्न पूरा हो गया, विश्व विजेता बनने का जो स्वप्न था वो पूरा हो गया। पुरु पर विजय पाने की खुशी में उसके जो सिपाही थे उन्होंने क्या कर रहे थे, दिन रात जश्न मना रहे थे। कितने दिन तक जश्न मनाया उन्होंने, 3 दिन और 3 रात तक जश्न मनाया। चौथे दिन शाम को सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि मैंने इस विशाल देश का, विशाल देश कौन सा, भारत के लिए आया। ठीक है, कौन सा देश, भारत के लिए कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, जो सिकंदर था उसने भारत देश का कोई भी हिस्सा नहीं देखा था, मैं आसपास का इलाका देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिकंदर ने क्या कहा कि मैंने इस देश का कोई भी भाग नहीं देखा है, इसलिए मैं आसपास का इलाका क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, नहीं मैं अकेले। जो सेनापति था उसने कहा कि ठीक है आप जाना चाहते तो मैं कुछ सैनिक लेके आपके साथ चलता हूँ। सिकंदर ने कहा नहीं मैं अकेले भी घूम फिर कर इस भूभाग को देखने चाहता हूँ, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, मेरे साथ किसी को चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिकंदर ने क्या कहा कि मेरे साथ किसी को चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरों के साथ चलने से देखने और सुनने में क्या होती है, बाधा पड़ती है। ठीक है, दूसरों के साथ चलने से देखने और सुनने में क्या पड़ती है,
बाधा पड़ती है, यह कहकर वह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। ठीक है, तो बच्चों इतना जो लेसन अपन ने पढ़ा है इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जब नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।